बनाना सीखेंगे। ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड, ये इसका बॉटम है, ये साइड से है और ये साइड से हमने जिपर वाला बनाया है इस तरीके से। इसके साइड्स में यहाँ हमने पॉकेट्स बनाई हैं, एक पॉकेट इधर है, वन पॉकेट इधर है, वन पॉकेट इधर है और यहाँ इसी तरीके से सेम यहाँ पे है। यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं, यहाँ पे आप बेबी के डाइपर्स वगैरह रखना चाहें, कुछ भी रखना चाहें यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हैं। और यहाँ से हमने ये जिप वाला बनाया है और इसके अंदर इनफ स्पेस है, ये देखिए इनफ स्पेस है। आप इसे एज अ लंच बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने प्लास्टिक शीट इंसर्ट की है तो ये हमारा वाटर प्रूफ है, तो इसके अंदर पानी भी ईजिली नहीं इंसर्ट होगा, ये देखिए। तो चलिए हम इस बैग को बनाना सीखते हैं। पेपर फोल्ड वाली जगह से आपने लेना है 12 सेंटीमीटर, ये देखिए 12 सेंटीमीटर, ऐसे 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, ऐसे 14 सेंटीमीटर, इसे कट कर लीजिए। ये हमारा कटिंग हो गया। अब इसे कपड़े के ऊपर रख के कटिंग कर लिए, जिसे हमने न्यूज़पेपर में ड्राफ्ट बनाया था उसमें से हमने ये कटिंग किए हैं। दो मैंने प्लेन की कटिंग किए हैं और दो मैंने ये प्रिंट में से कटिंग किए हैं। ये स्ट्रैप के लिए मैंने कपड़ा कटिंग किया है, इसकी विड्थ मैंने ली है अप्रॉक्सीमेट 10 सेंटीमीटर और लेंथ आप जितनी लेना चाहें उतनी ले सकते हैं, वैसे मैंने ली है 20 इंच। क्या करना है, यहाँ से इसे फोल्ड कीजिए, ऐसे फोल्ड कीजिए, ऐसे फोल्ड कीजिए, एक सिलाई यहाँ पे लगा लीजिए और एक सिलाई यहाँ पे लगा। आप मेरी रेडी होगी। अब आगे क्या करना है, एक प्रिंट वाला पीस लिया है मैंने, उसके ऊपर स्ट्रैप रखी है, प्लेन वाला लीजिए, यहाँ से लेके इसके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और सेम उसी तरीके से नीचे भी, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब यहाँ से इसे सीधा कर लीजिए, बैठने वाली सिलाई लगा लीजिए, एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए और एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए। दो पीसेज हमारे पास रेडी हो गए, एक ये पीस रेडी हो गया और एक ये पीस रेडी हो गया। पहले ड्राफ्ट कटिंग किया था सेम इसी साइज का, जो हमने पहले ड्राफ्ट कटिंग किया था वो मैंने दो पीसेज और कट किए सेम यही साइज के, टू पीसेज मैंने और कट किए। अगर आप पॉकेट लगाना चाहते हैं, इसे क्या करना है, सिंपली यहाँ से फोल्ड कीजिए और इस पर सिलाई लगा लीजिए। इसके मेजरमेंट सेम है जो हमने ये कटिंग किया था, सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाया था, इसे यहाँ से फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लीजिए और यहाँ से फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारी दो पॉकेट्स रेडी हो जाए। सिलाई लगा ली, ऊपर भी सिलाई लगा ली और नीचे भी सिलाई लगा ली, तो इस तरीके से पॉकेट्स के लिए हमारा रेडी हो गया। तो ये हमारा पॉकेट के लिए रेडी हो गया, ये फ्रंट और हमारा बैक का पोर्शन रेडी हो गया। अब दो मिनट इसे साइड पर रखिए और हमें न्यूज़पेपर में एक ड्राफ्ट बनाना है इसके बैक के साइडों के लिए और ऊपर जहाँ हमने जिप लगानी है उसके लिए। बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, जो सबसे पहले हमने ड्राफ्ट कटिंग किया था जिससे हमने ये फ्रंट और बैक वाले पीसेज रेडी किए हैं, फ्रंट और पॉकेट वाले, वो ड्राफ्ट चाहिए आपको। यहाँ पे रखा मैंने, लेना है ये, यहाँ से फोल्ड है, उसके बाद इस तरीके से, फिर इसे ऐसे फोल्ड कीजिए। अब ये यहाँ से नीचे से पूरा फोल्ड है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इस तरीके से फोल्ड करके मैंने इसे ले लिया। ऐसे चारों तरफ से हमारा फोल्ड है। यहाँ से आपको लेना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर पे आपने निशान लगा लिया। ये जो हमने ड्राफ्ट बनाया था ये ड्राफ्ट यहाँ पे रखिए, जो आपने हमने सबसे पहले ड्राफ्ट बनाया था स्टार्टिंग में, ये ड्राफ्ट रखा और इसे ड्रॉ कर लीजिए इसके ऊपर। जो हमने सबसे पहले ड्राफ्ट बनाया था ये मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से 6 सेंटीमीटर, फिर ये ड्राफ्ट मैंने इसके ऊपर ड्रॉ किया है, देखिए इस तरीके से सेंटीमीटर लिया था, यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर है हमारा, 6 सेंटीमीटर का ब्लॉक लिया, उसके ऊपर हमने जो ये बनाया था इसका हमने ड्राफ्टिंग कर ली। साइन से अब आगे आपको लेना है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर पे मैंने निशान लगाया, यहाँ से जहाँ तक हमारा ड्राफ्ट था उससे आगे 11 सेंटीमीटर मैंने लिया है, 11 सेंटीमीटर। यहाँ से फिर आपको लेना है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप मिला लीजिए,
तो ये हमारा तिरछा इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ, 6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर का ब्लॉक बनाया, उसके बाद ये वाला ड्राफ्ट इसके ऊपर रखा, ये ड्राफ्ट बना लिया। यहाँ से यहाँ हमने लिया 11 सेंटीमीटर, ये मैंने लिया 4.5 सेंटीमीटर, इसको मैंने इसके साथ मिला दिया। यहाँ से यहाँ तक लेना है 4.5 सेंटीमीटर, फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक ब्लॉक बन गया। इसे हम इसके आगे कितना लेना है, यहाँ से हमें आगे लेना है 7 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक नीचे तक हमें लेना है 5.5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। ये मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया। अब इसे इस पॉइंट से मिला दीजिए, तो ये हमारा ड्राफ्ट बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए मैं आपको बताती हूँ दोबारा से एक बार सारे मेजरमेंट्स, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको ये हमने जो पहले ब्लॉक कटिंग किया था ये ब्लॉक इसके ऊपर रखना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 11 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ से 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा ये ड्राफ्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसे कटिंग कर लीजिए। देखिए तो ड्राफ्ट की कटिंग कुछ इस तरीके से आपकी दिखेगी, तो बस इसे सीधा कीजिए। तो ये हमारा बैक का हो गया, ये हमारी बैक की एक फ्रंट पोर्शन के लिए है और ये बैक की बैक पोर्शन के लिए है। इस ड्राफ्ट को कपड़े के ऊपर रखिए और इस तरीके के दो पीसेस आप कट कर लीजिए। जो वाइज है ये देखिए, यहाँ से यहाँ इसको फोल्ड किया, जैसे मेरा फोल्ड है इसे इसके ऊपर रखिए। इस तरीके से यहाँ से अगर ये मैंने न्यूज़पेपर फोल्ड किया हुआ है, अगर आप चाहे तो पूरा खोल के भी काट सकते हैं, नहीं तो यहाँ से न्यूज़पेपर फोल्ड है और यहाँ से कपड़ा भी फोल्ड है। इसे इसके ऊपर रखा, इसे मार्क कीजिए और इसकी कटिंग करिए दोनों पीसेस, और ये बीच में इंसर्ट करने के लिए आपके पास कोई भी फॉर्म हो, कोई भी बुकरम हो, कोई रबर शीट हो, उसमें से मैंने सेम इसी डिज़ाइन का ये भी कट कर। अब क्या करना है, सबसे पहले ये रखा मैंने पीस नीचे, उसके ऊपर दूसरा रखा, उसके ऊपर ये जो हमने इनर कटिंग किया है वो रखा, इसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। सेम इस तरीके से इस तरफ भी, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे भी सिलाई लगा ली, सिलाई लगा ली और इस तरफ भी सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लीजिए। तो हमारा इस तरफ से भी फिनिश हो गया और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से फिनिश हो गया। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से रख के यहाँ पे इस पे एक बैठने वाली सिलाई लगा लीजिए, इस तरफ भी और इस तरफ लगा ली, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये दोनों साइडों से हमारा फिनिश हो गया। ये हमारा इस तरीके से आएगा बैग, यहाँ पे जिपर लगेगी और ये हमारा बैग का फ्रंट पोर्शन आएगा। अब हमें क्या करना है, जो हमने पहले पॉकेट्स बनाई थी हम वो लेंगे, एक पॉकेट इसे हम यहाँ पे लगाएंगे, नीचे वाले पीस को साइड कर दीजिए 2 मिनट के लिए। ये पॉकेट मैंने यहाँ पे लगा ली, जो हमने बैग वाला पोर्शन बनाया था इस तरीके से ये पोर्शन लगाएंगे। तो ये हमारा बैग वाला पोर्शन और ये हमारा पॉकेट वाला पोर्शन। तो पहले हम पॉकेट बनाएंगे, इसे यहाँ पे इसे थोड़ा सा कट के साथ में इधर को रखते हुए
साइडों से, और यहाँ बीच में एक सेंटर लाइन, जितनी आप पॉकेट की डिवाइड रखना चाहते हैं यहाँ बीच में सेंटर में, और साइड में सिलाई लगा लीजिए। मैंने लगा ली, चारों तरफ से इस पर सिलाई लगा ली और बीच में से भी सिलाई लगा ली। तो एक पॉकेट मेरी ये हो गई और एक पॉकेट ये हो गई। जो हमने ये दूसरा बनाया था इसे इसके ऊपर रखिए। यहाँ से आपको सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ से हमारा ये ओपन ही रहेगा। सिर्फ आपको कहाँ से सिलाई लगानी है, यहाँ से और यहाँ से, थ्री साइड। ये मैंने सिलाई लगा ली इसके तीनों तरफ। यहाँ से ओपन है तो हमारा ओपन बैग, यहाँ दो पॉकेट्स, ये हमारा एक तरफ से रेडी हो गया। जैसे आपने इस तरफ लगाया है सेम उसी तरीके से इस तरफ भी। तो एक पॉकेट यहाँ पे लगाइए, इस तरीके से उसके ऊपर ये लगाइए। जैसे हमने मैंने आपको उस तरफ लगाया है, इस तरफ भी इसी तरीके से आप इसे अटैच कर लीजिए। बाद में हम इसमें बस साइडों में सिलाई लगाएंगे, जिपर लगाएंगे और हमारा बैग रेडी। अटैच कर लिया अपना बेल्ट वाला पोर्शन। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक जेब बड़ी बनाई है और एक मैंने पॉकेट छोटी बनाई है। तो इस तरीके से हमारा ये रेडी हो गया, इस तरीके से हमारा ये आएगा और इस तरीके से हमारा ये बैग बनेगा। तो अब हमें आगे क्या करना है, अब हम पहले इस पर जिप लगाएंगे। यहाँ पे हम इसके जिप लगाएंगे, जिप का एक पोर्शन और ये वाला, ये इसके ऊपर रखिए इस तरीके से, और बस यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा। मैंने जिप पे सिलाई लगा ली और इस तरीके से जिप पूरी अटैच कर ली। ये एक तरफ से अटैच हो गई, अब दूसरी तरफ से करना है आपको सेम इसी तरीके से। इस तरफ को इसे इसके ऊपर रखिए, दूसरी तरफ वाले हिस्से को, और इस पे भी सिलाई लगा लीजिए। तो ये जिप इन दोनों पोर्शन के बीच में हमारी इस तरीके से अटैच। ये मैंने जिपर इसके बीच में इंसर्ट कर लिया, तो ये जिपर हमारी इस तरीके से इसके बीच में लग गई है पूरी क्लीन। अब हमें आगे क्या करना है, बस अब हमें इसे साइडों से ज्वाइन करना है। वो कैसे करना है, इसे उल्टा कर लीजिए, बस अब हमें इसे चारों तरफ से जोड़ना है साइडों से और साइड से। ये जो जिप का एक्स्ट्रा पार्ट है इसे कट कर लीजिए। आगे क्या करना है, अब हमें पहले इसे साइडों से सिलाई साइडों से फिनिश करेंगे। वो कैसे करना है, देखिए ये जो साइड वाला पोर्शन है हमारा इस तरीके से दिख रहा है, इसे इसके ऊपर रखना है आपको जिपर वाला पोर्शन, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है सेम उसी तरीके से इस तरफ से भी। ये हमारा अंदर वाला पोर्शन है, साइड वाला है। जिप का एक पोर्शन इस तरफ रखना है, एक इस तरफ रखना है, और इस पे भी सिलाई लगानी है। तो ये दोनों साइडों से फिनिश करना है पहले। अपने सिलाई लगा ली, इस तरफ भी सिलाई लगा ली और इस तरफ भी सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है, इसे बच के आप इसे हमें साइड को फिनिश करना है। कैसे, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ लीजिए और इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए हम सेम उसी तरीके से ये वाला कॉर्नर भी इस तरीके से और इस तरीके से इसे पकड़िए और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। सेम ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर इस तरीके से पकड़ के इस पर सिलाई लगा दीजिए, और इस पर भी चारों तरफ चारों कॉर्नर पे इस पर आपको सिलाई लगा ली। 1, 2, 3 और 4 कॉर्नर। बस अब आप इसे सीधा कर लीजिए, हमारा बैग बिल्कुल रेडी है। ये साइड से प्रॉपर फिनिश है, इस तरफ से भी। यहाँ हमारे इसके पॉकेट्स हैं, देखिए यहाँ पे भी एक पॉकेट बन गई है, फिर यहाँ एक पॉकेट और ये छोटे वाली पॉकेट है। इसी तरीके से हमारी यहाँ पे भी पॉकेट है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसमें हमारा इनफ सामान आएगा, और ये इस तरीके से स्ट्रैप है। तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया है। हम इसे वॉश भी कर सकते हैं, और ये थोड़ा वाटरप्रूफ भी होगा क्योंकि इसके अंदर हमने जो प्लास्टिक वाली शीट लगाई है उसमें ईजिली वाटर इंसर्ट नहीं होता। तो ये हमारा वाटरप्रूफ, एज अ वाटरप्रूफ बैग बिल्कुल रेडी।